सो गाइस, और हम लोग आए हुए हैं आज सेंट सुरमेर। ये एक प्रोविंशियल टाउन है, बीच में बीच फ्रंट टाउन बोल सकते हो आप। और आज यहाँ पे एक इवेंट हो रही है, इवेंट का नाम है विंटेज। और हम लोग पहुंच गए सेंट सुरमेर, तो काफ़ी मुश्किलों के बाद हम लोग को मिला यहाँ का पार्किंग। देख सकते हो ओपन पार्किंग है, और आज एक इवेंट है यहाँ पे। चलिए आपको बताता हूँ वो इवेंट क्या है। ये अच्छा ब्रिज बनाया है ना, है ना, गोल जैसा। सो गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं सेंट सुरमेर, जो कि एक प्रोविंशियल बीच टाउन है और ये साउथ ऑफ फ्रांस में स्थित है। तो आज यहाँ पे एक इवेंट हो रही है जिसको बोलते हैं विंटेज इवेंट, जो एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग। जैसे कि नाम से है विंटेज, तो सब कुछ विंटेज है यहाँ पे, विंटेज थीम्ड है। तो सारे कार्स हो गए, कार्स के साथ साथ यहाँ पे जो कपड़े जो पहन के आए हुए हैं वो भी विंटेज विंटेज थीम्ड है। यहाँ जो मार्केट लगी हुई है वहाँ पे सारे विंटेज के सामान मिलेगा आपको। सारे लोग यहाँ पे कार्स को देखने आए हुए हैं, इस इवेंट में शामिल होने आए हुए हैं। तो फिर मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसा है माहौल। तो आइए मेरे साथ। Alors si vous pouvez nous dépanner des câbles électriques pour la batterie, merci de vous aussi y aller ici sur le parking, parce qu'on a vraiment besoin d'une voiture qui redémarre pas, qui est en rade sur la route. Donc merci des câbles pour la batterie, merci de vous aussi y aller, ça nous rendrait vraiment service. Merci. Comment tu fais la place? Alors d'abord ça Alors, les véhicules sont de retour, si vous voulez les apercevoir ici. Ils sont en train de rentrer dans le parking. Ah, c'est là où on s'en souvient. Ah, la classe. Avec la famille nombreuse. La Cadillac et la famille nombreuse, là. Allez, ça filme. Bienvenue. और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के कार है, जो विंटेज 90s, 80s, 60s के कार हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक रोड शो भी होगा। रोड शो मेरे ख्याल से सुबह था, दोपहर में, अभी तो मेरे ख्याल से शाम हो गई है। हो गया रैली, हो के आ गए ना चैलेंजर। La grenade aussi c'est efficace. और आज बहुत सारी विंटेज कार आई हुई है, मैं आपको एक एक करके दिखाते जाऊंगा। बट कारें तो ऐसी है कि मैंने कभी देखा ही नहीं हुआ है, बट बहुत सारी यहाँ पे डॉज आई हुई है। तो मुस्टैंग हो गया और शेल्बी हो गया, बहुत सारा है। तो बेसिकली यहाँ पे एस्टन मार्टिन और फिएट, ये सब ओल्ड कार्स हैं। तो देख सकते हो आप भीड़ यहाँ पे, बहुत ही भीड़ लगी हुई है आज। तो सभी देखने आए हुए हैं इस शो को। बस Bon, allez, viens ici à Saint-Cyr-sur-Mer, on passe des bons moments.
यहाँ पे एक्चुअली फैशन भी है विंटेज का, तो आप जैसे कि बहुत सारे लेडीज़ लोगों को देख सकते हो आप, वो पिनअप गर्ल्स बन के आए हुए हैं। पिनअप गर्ल्स जो कार के पास पास फैशन करते हैं, पिनअप गर्ल्स जो रहते हैं कार को प्रमोट करते हैं ओल्ड कार्स, तो पहले के फैशन में उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है। Comme vous, toi, t'as un petit solo guitare, tu vois. Voilà, tu te dis, tu sais, qu'est-ce qu'il prend, lui, de faire un solo? Ouais, j'ai tenté un truc, quoi. On accepte tout, quoi. जैसे कि देख सकते हो आप मेरे पीछे, पूरा फुल मार्केट लगा हुआ है आज, और पूरा ये रेट्रो स्टाइल का मार्केट है, जहाँ पे सब तरीके का क्लोथ्स हो गया, क्लोथ्स से लेके कैमरा से लेके एवरीथिंग, इवन कार के एक्सेसरीज सारे रेट्रोज हैं। तो आज पूरा रेट्रो थीम्ड मार्केट है, तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है पूरा रेट्रो थीम। और ये बियर कैप्स है, तो बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आपको, इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है एक एक बियर जो कैप्स आते हैं ढक्कन, तो उन ढक्कनों को बढ़िया लगाया हुआ है इन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजावट किया हुआ है, की रिंग्स सजावट। और यहाँ पे एक पेंटिंग जैसा कुछ दिख रहा है, क्या है देखते हैं। ओ, ये सब गाड़ी में लगने वाली, और मेरे ख्याल से आप घर में भी डाल सकते हो। पेंटिंग्स है, कुछ प्रिंट आउट्स हैं, सारे रेट्रोस थीम्ड के, जो कोर्ट्स होते हैं वो भी है यहाँ पर। ये देखिए, वी कैन डू इट, मिकी माउस, बैटमैन, और यहाँ पर ये मार्केट लगा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने एक गोल्डन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी लगा के रखा हुआ है सामने, उसके पीछे एक चर्च भी है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखिए, बढ़िया। चलो आ जाओ। और यहाँ पे सब ज्वेलरी वगैरह और इम्प्रेशंस हो गए, ये देखिए, ये सब रेट्रो स्टाइल्स में ही है। ये देखिए कार, देखो ये रही कार, तो ये सब रेट्रो स्टाइल्स में है। और यहाँ पे भी एक कुछ ज्वेलरीज बेच रहे हैं ये लोग, इधर भी लगी हुई है ज्वेलरी। यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, बट अच्छा, ये जो ऑयल कुपी रहता है, ऑयल के कंटेनर्स वो हैं। बहुत सही बनाया है इन्होंने भाई, काफ़ी अच्छा दिख रहा है।
Africains. Alors les bites non, mais par contre c'est des frites. कार तो बहुत सारे आई हुई है आज और बहुत ही यूनिक कार्स है 90s 60s 80s के तकरीबन हमने सभी कार देख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन है ये आपको नॉर्मल रोड्स पे तो दिखेगी नहीं तो बहुत ही अच्छा लगा पुराने कार्स देख के लेकिन मेंटेन कैसे करते होंगे पता नहीं आगे इसके पार्ट्स हो गए और सारे सामान वगैरह कहाँ मिलते होंगे ये भी एक सवाल है बट बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है जो भी कार्स देखा हमने बहुत ही अच्छा मेंटेन है गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो होप यू फाइंड यूजफुल और आपको भी मज़ा आया होगा तो फिर ऐसे ही फ्रांस के ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय बस ठीक है।